आपके साथ मैं हूं अंशु, आप देख रहे हैं फॉरी न्यूज। जनपद के छपरौली गांव के सैकड़ों ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए गांव में बन रही गौशाला के निर्माण की मांग की। ग्रामीणों ने गांव के ही कुछ दबंगों पर गौशाला निर्माण रोकने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने एडीएम अमित कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द निर्माण कार्य कराने की मांग की है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल मामला बागपत जनपद छपरौली कस्बे का है, जहां चेयरमैन द्वारा कराई जा रही गौशाला निर्माण को दबंग लोगों ने रोक दिया। पीड़ित कस्बा वासियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना देते हुए जल्द निर्माण कार्य कराने की मांग की है। जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव-गांव में बेसहारा पशुओं के लिए गौशाला का निर्माण करा रहे हैं, वहीं छपरौली कस्बे में कुछ दबंगों ने गौशाला के निर्माण कार्य को ही रोक दिया। बागपत एडीएम अमित कुमार सिंह ने गांव वालों को आश्वासन दिया, जल्द से जल्द गांव के अंदर गौशाला का निर्माण कराया जाएगा और गौशाला को रोकने वाले दबंगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? दलवीर सिंह। दलवीर जी, बागपत कलेक्ट्रेट आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो, क्या मामला है? जी, हम चाहते हैं, हम किसान हैं, गौशाला का निर्माण हो और अवश्य हो, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा परेशानी है। जहाँ भी चेयरमैन साहब गौशाला का निर्माण करने की चाहते हैं, वहीं रुकावट हो जा। विपक्ष इतना हावी हो रहा, बना नहीं दे रहा कहीं। कौन है विपक्ष वाले जो तुम गौशाला नहीं बनने दे रहे? एक पार्टी तो कल ही आई थी, योगिंदर है, हरे हुए चेयरमैन है। कौन से गाँव का मामला है? छपरौली का। तो क्या वे गौशाला बनाने नहीं दे रहे? वे गौशाला बनाने नहीं दे रहे। तो आप क्या चाहते हो? हमने चाक बढ़ने चाह, जिस टाइम तंग आ रहे, फसल का सब नुकसान हो गया। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4E न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी खबरें समय पर मिलती रहे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।